इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने अभी बताया है कि इज इक्वल्स टू साइन से आपका असाइनमेंट होता है, इज इक्वल्स टू साइन से असाइनमेंट होता है, मतलब ए इज इक्वल्स टू वन बोला तो वन की वैल्यू आपकी ए में असाइन हो गई, इस तरीके से काम चलता है। अगर मैं बोला ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू आपका ए में असाइन हो गई। अगर मैं ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी को और क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, मतलब क्या हो गया ये ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हूँ ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये हो गया ए प्लस बी हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ साइन हुआ और ए, ए जो है वो ए इज इक्वल्स टू पहले बाद वाली हो गई फिर ए प्लस बी जैसा है वैसे हमने लिख दिया। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूँ तो ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बी को क्या लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल्स टू दिस बी, ए इसको सी के फॉर्म में लिखना हो, डी के फॉर्म में लिखना हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन होता है डिवीजन लिखता हूँ तो ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू बी, ए मॉडुलस इज इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी, ए मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू बी, और बी जो भी है कि ए फ्लोर ऑपरेटर इज इक्वल्स टू बी। इस तरीके से मैंने ये चीज़ बता दिया कि इसके मतलब क्या हो गया, असाइनमेंट, असाइनमेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट सम, असाइनमेंट प्रोडक्ट, असाइनमेंट रिमाइंडर, असाइनमेंट डिफरेंस, ए डिफरेंस का अगर है तो ए माइनस इज इक्वल्स टू बी, मतलब क्या हो गया ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, इसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। असाइन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया ए इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट फॉर्म बी, ए टू द पावर बी है, इसका मतलब ए टू द पावर बी हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये अपने पूरे पूरे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हर जगह काम आने ही आने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कि प्रायोरिटी क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू, हमने देख लिया कंपेरिजन देख लिया, तो इस प्रायोरिटी क्या है, इसके प्रायोरिटीज किसे बोलेंगे, कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की है, उसके बाद एक्सपोनेंट, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बॉर्डमास आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, इस तरीके से ये भी एक लेक्चर में आ जाए।